हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं बालकोनी एंड ओपन टेरेस डिजाइन किया गया, जो कि काफी अच्छा लग रहा है, काफी लग्जरी लुक दे रहा है। तो इस तरह का डिजाइन कराने से पहले आपको एक बात का ध्यान देना है कि हमेशा बालकोनी को स्पेसेस बनाना है, स्पेसेस रखना है, डबल हाइटेड रखना। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं डबल हाइटेड है, तो इस तरीके से अगर डिजाइन कराइए तो आपका जो बालकोनी है या ओपन टेरेस है बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही शानदार लगता है। ओके, तो इस तरीके से कराने से ना आपको ना एक फायदा ये होगा कि जो स्पेसेस मिलेगा और आराम से अपना जो भी पेड़ पौधा है या गार्डनिंग कर सकते हैं अपने अपने बालकोनी में। और बालकोनी का जो चौड़ाई है ना वो आपको मिनिमम 5 फीट रखेंगे तभी आपको प्लांटेशन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी स्पेस लग रहा है देखने में, काफ़ी अच्छा लग रहा है ऊपर से देखने में, टॉप से देखने में। ओके, तो इस तरीके से आप डिज़ाइन कीजिएगा तो आपका जो बालकोनी है बहुत ही अच्छा लगेगा। और ऊपर में अगर कटआउट दे देंगे जैसा कि हम देख रहे हैं पर्कोला दे देंगे तो आपका जो बालकोनी है वो ओपन टेरेस की तरह फील होगा। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इस तरह से पर्गोला ऊपर में मेटल का दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, लाइक शेयर की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।